हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन लर्निंग। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट टाइप ऑफ मार्केट डिमांड। देखिए, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ये इकोनॉमिक्स की डिमांड नहीं है। ये टॉपिक आपका आ जाता है मार्केटिंग में, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि मार्केट में कितने टाइप की डिमांड होती है। सो हम टोटल कवर करने वाले हैं 8 टाइप ऑफ मार्केट डिमांड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट हो जाती है आपकी नेगेटिव डिमांड। नेगेटिव डिमांड नाम से ही क्लियर है, नेगेटिव डिमांड वो डिमांड होती है जहां पर आपके प्रोडक्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता है, प्रोडक्ट को डिसलाइक किया जाता है। आपका प्रोडक्ट अच्छा होता है, क्वालिटी वाइज अच्छा होता है, अफोर्डेबल होता है, बट फिर भी कस्टमर के द्वारा डिसलाइक किया जाता है और आपकी उस प्रोडक्ट की डिमांड नेगेटिव होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसे बोला जाता है नेगेटिव डिमांड। नेगेटिव डिमांड होने के कुछ रीजंस होते हैं और वो रीजन ये होते हैं कि आप जब कस्टमर को मार्केटिंग करते हैं तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी काफी इरिटेटिंग होती है, जो कि कस्टमर को पसंद बिल्कुल भी नहीं आती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं पॉपअप एड्स का। पॉपअप एड्स वो एड्स होते हैं, आप अपने फोन में इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो उस टाइम कोई भी एप्लीकेशन यूज करते टाइम एकदम से फोन की स्क्रीन पर एड आ जाते हैं, वो चाहे आपकी ड्रेसेस से रिलेटेड एड हो या फिर किसी फोन से रिलेटेड एड हो, मींस अपना एडवर्टाइजमेंट कंपनी करती है, इरिटेट करते हैं कस्टमर को। क्या पता उस टाइम पे कस्टमर कौन सी इम्पोर्टेंट थिंग को सर्च कर रहा हो और उस टाइम पे अगर ये डिस्टर्बेंस आ जाती है तो वो इरिटेट करने लगती है कस्टमर को, कस्टमर उस प्रोडक्ट को लेकर नेगेटिव हो जाता है। सो ये हो जाती है आपकी नेगेटिव डिमांड। नेक्स्ट हो जाता है आपका नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड। नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड वो डिमांड होती है जहां पर मिस्टेक हो जाती है आपके मार्केटर की, आपके मैन्युफैक्चरर की। यहां पर मार्केटर को लगता है कि जो भी वो चीज बना रहा है, जिसकी भी प्रोडक्ट की वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो मार्केट में सेल आउट होगी, बट रियलिटी में उस चीज की डिमांड ही नहीं होती, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं होती। सो उसे बोला जाता है नॉन एग्जिस्टेंस डिमांड। यहाँ पर कमी पाई जाती है रिसर्च की। अगर आपने रिसर्च अच्छे से नहीं करी है तो हो सकता है कि आपकी कंपनी लॉस में चली जाए और आपकी मार्केट वैल्यू भी डिक्रीज हो जाए। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर नोकिया मोबाइल फोन कंपनी का। देखिए, नोकिया मोबाइल फोन ने एंड्रॉइड अभी तक नहीं अपनाया, उसने यूज किया विंडोज का। वो अपना स्मार्टफोन लेकर आया जिसमें सॉफ्टवेयर था विंडोज का, बट उसने एंड्रॉइड को अभी तक नहीं अपनाया। नोकिया को लगता था कि उसका ये सॉफ्टवेयर मार्केट में रन होगा और उसे प्रॉफिट होगा क्योंकि कस्टमर की डिमांड है, बट ये गलती थी। कस्टमर की डिमांड यहाँ पर एंड्रॉइड की थी, ना कि विंडोज की, जिस कारण से वो मार्केट से आउट हो गया और उसकी डिमांड हो गई नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड। नेक्स्ट टाइप ऑफ मार्केट डिमांड इज लेटेंट डिमांड। देखिए, लेटेंट डिमांड यहाँ पर देखिए वर्ड दिख रहा है आपको, लेट। लेट मीन्स देरी। सो वर्ड से क्लियर है कि लेटेंट डिमांड वो डिमांड होती है जब आपके प्रोडक्ट की नीड होती है कस्टमर को बहुत ज्यादा, बट वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, वो कहलाती है आपकी लेटेंट डिमांड। कि कस्टमर को काफी हद तक नीड होती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या फिर टेक्नोलॉजी की, बट वो मार्केट में अभी तक डेवलप नहीं हुई है, वो कहलाती है लेटेंट डिमांड। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। बेस्ट एग्जाम्पल होगा स्टडिंग द इवेल्युएशन ऑफ स्मार्टफोन और मोबाइल फोन। कि जब हम इवेल्युएशन की बात करते हैं स्मार्टफोन और मोबाइल फोन में, हर रोज कस्टमर को कुछ ना कुछ नए की नीड होती है, बट मार्केट में हर रोज कुछ ना कुछ नया नहीं आ सकता उस पर्टिकुलर ब्रांड से, प्रोडक्ट से रिलेटेड। सो जब वो डिमांड अपनी शो करते हैं तो मार्केटर उसे समझते हैं और उसी प्रकार का प्रोडक्ट बनाते हैं। सो वो कहलाती है आपकी लेटेंट डिमांड। कि आपकी डिमांड तो काफी है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, बट वो प्रोडक्ट अभी मार्केट में नहीं है, प्रोडक्ट को मार्केट में आने में टाइम लगेगा, लेट होगा, तो वो कहलाती है आपकी लेटेंट डिमांड। नेक्स्ट हो जाती है आपकी डिक्लाइन डिमांड। डिक्लाइन मीन्स, डिक्लाइन का मतलब होता है नीचे की तरफ गिरता हुआ, मीन्स जब आपकी डिमांड कम होनी स्टार्ट हो जाती है, डिमांड गिरनी स्टार्ट हो जाती है टाइम के साथ साथ, तो उसे बोला जाता है डिक्लाइन डिमांड। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का या फिर टेक्नोलॉजी का। देखिए, जो एक टेक्नोलॉजी आ चुकी है और उसी के बाद उसका अपडेट वर्जन आ जाता है, तो इस लास्ट टेक्नोलॉजी की डिमांड डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाएगी, गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। सो ये कहलाती है आपकी डिक्लाइन डिमांड। सेम एज इट इज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, अगर कोई और दूसरी कंपनी अच्छे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स दे रही है अपडेशन के साथ, तो जो पुराना वाला है उसकी डिमांड डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज
इरेगुलर डिमांड। इरेगुलर डिमांड्स मींस वो डिमांड जो कि रेगुलर नहीं होती, सीजनल होती है या फिर मंथली होती है या फिर वीकली होती है, उसे बोला जाता है इरेगुलर डिमांड। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम ब्लैंकेट का यूज करते हैं विंटर्स में, हम ब्लैंकेट का यूज समर्स में नहीं कर सकते, गर्मियों में हम ब्लैंकेट नहीं ओढ़ सकते। सो ये आपकी सीजनल डिमांड है जो कि विंटर्स आने पर, सीजन आने पर ही आपकी मार्केट में आएगी। सो वो कहलाती है आपकी इरेगुलर डिमांड जो कि रेगुलर नहीं है, सीजन पर आएगी या फिर मंथली होगी या फिर वीकली होगी। नेक्स्ट वन इज फुल डिमांड। फुल डिमांड मींस कि आपने कोई भी एक प्रोडक्ट बनाया और उसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि जैसे ही आपने मैन्युफैक्चरिंग करी, मार्केट में उतारा, वो तुरंत ही सेल आउट हो गया। यहाँ पर आपकी सप्लाई इक्वल होती है डिमांड के, सो उसे बोला जाता है फुल डिमांड कि आपने जितनी जितनी सप्लाई करी मार्केट में वो तुरंत की तुरंत ही आपका प्रोडक्ट सेल आउट हो गया। ये इसका मतलब होता है कि जो आपके कस्टमर हैं वो लॉयल हैं आपके ब्रांड को लेकर। एग्जांपल ले लीजिए एप्पल फोन का। जैसे ही मार्केट में एप्पल के कोई भी फोन लॉन्च होने स्टार्ट होते हैं, तुरंत ही वो बिकने भी स्टार्ट हो जाते हैं, तुरंत ही सेल आउट होना भी उनका स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर सप्लाई इक्वल होती है डिमांड के, सो ये कहलाती है आपकी फुल डिमांड। नेक्स्ट हो जाता है ओवरफुल डिमांड। इसे ओवरफ्लो डिमांड भी बोला जाता है। ओवरफ्लो डिमांड वो डिमांड होती है कि आपकी जो सप्लाई है वो कम है बट डिमांड आपकी ज्यादा है। ओवरफुल डिमांड का मतलब होता है कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लिमिटेड हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी लिमिटेड है, बट जो आपकी डिमांड है उस प्रोडक्ट को लेकर वो काफी ज्यादा है। सो उसे बोला जाता है ओवरफुल डिमांड। इट्स मीन डिमांड इज मोर बट सप्लाई इज लेस। डिमांड यहाँ पर ज्यादा है बट आपकी सप्लाई कम है। फुल डिमांड में आपकी डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होती है, एंड ओवरफ्लो डिमांड में या ओवरफुल डिमांड में आपकी डिमांड लेस होती है सप्लाई से। लास्ट हो जाता है हमारा अनहोलसम डिमांड। देखिए अनहोलसम डिमांड वो डिमांड होती है कि आपके कस्टमर को और मार्केटर को पता है कि वो जो प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, वो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो अनडिजायरेबल है, मींस उससे आपके कस्टमर को हानि हो सकती है, बट फिर भी उसकी डिमांड आती है, फिर भी उसे कंज्यूम किया जाता है, उसे बोला जाता है अनहोलसम डिमांड। एग्जाम्पल के लिए एल्कोहल एंड सिगरेट। एल्कोहल का पता है कि वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, ऐसे ही सिगरेट भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, बट फिर भी उसकी डिमांड है, सो ये कहलाता है आपका अनहोलसम डिमांड। हमने इसमें स्टडी करी है एक टाइप ऑफ मार्केट डिमांड, कंफ्यूज नहीं होना है, ये मार्केट डिमांड है, आपकी इकोनॉमिक्स की डिमांड ये नहीं है। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।